हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंपैरिजन बाय अंकुश। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर एक्टर नागा चैतन्य के सभी फिल्मों के नाम, रिलीज डेट, बजट, कलेक्शन एंड बॉडी के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो पे लास्ट तक रहेगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन मूवी आता है जोश। ये मूवी आता है 2009 में, बजट रहता है 2 करोड़ और कमाई करता है 5 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एवरेज का टैग लेता है। तो 2 नंबर पर मूवी आता है नागा चैतन्य का, नाम रहता है ये माया चेस्बे। और ये मूवी 2010 में आता है, बजट रहता है 10 करोड़ और कमाई करता है ये मूवी 15 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट का टैग लेता है। तो बात करते हैं 3 नंबर पर, तो मूवी आता है जिस मूवी का नाम रहता है 100% लव। और ये मूवी आता है 2011 में, बजट रहता है 10 करोड़ कलेक्शन करता है ये मूवी 20 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी सुपर हिट का टैग लेता है। बात करें नागा चैतन्य के 4 नंबर पर, तो मूवी आता है ढाढ़ा। और ये मूवी भी 2011 में ही आता है, बजट की बात करें तो मूवी का रहता है 30 करोड़ एंड कलेक्शन की बात करें तो 25 करोड़ कमाता है। बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाता है। तो अब आगे देखेंगे कैसा करियर रहता है नागा चैतन्य का। तो 5 नंबर पर मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है बेजाबदा। और ये मूवी आता है 2011 में, बजट रहता है 10 करोड़, कमाई करता है यह मूवी 13 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एवरेज का टैग लेता है। 6 नंबर पर मूवी आता है नागा चैतन्य का, नाम रहता है टडका। और ये मूवी आता है 2013 में, बजट की बात करें तो इस मूवी का रहता है 18 करोड़ एंड कलेक्शन की बात करें तो 30 करोड़ कमा के ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट का टैग लेता है। अब बात करते हैं 7 नंबर पर, तो मूवी आता है मनन। और ये मूवी आया था 2014 में, बजट रहता है इस मूवी का 28 करोड़ एंड कमाई करता है 62 करोड़, तो बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी ब्लॉकबस्टर का टैग देता है, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। बात करें 8 नंबर पर, तो मूवी आता है ऑटो नगर सूर्या। और ये मूवी आता है 2014 में, बजट की बात करें तो 25 करोड़ रहता है एंड कमाई की बात करें तो 15 करोड़ कमा के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टैग देता है। तो अब आगे बात करेंगे कि नागा चैतन्य का कौन कौन सा मूवी आया और फ्लॉप हुआ या हिट हुआ या ब्लॉकबस्टर। तो देखते हैं 9 नंबर पर, तो मूवी आता है, नाम रहता है ओका लैला कोसम। और ये मूवी आता है 2014 में, बजट की बात करें तो 20 करोड़ एंड कमाई की बात करें तो 40 करोड़ का कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग देता है। 10 नंबर पर मूवी आता है नागा चैतन्य का, नाम रहता है ढोचे। और ये मूवी आता है 2015 में, बजट रहता है मूवी का 15 करोड़ एंड कलेक्शन करता है ये मूवी 20 करोड़ का कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग लेता है। तो अब बात करते हैं 11 नंबर पर, तो मूवी आता है, नाम रहता है प्रेमम। और ये मूवी आया था 2016 में, बजट रहता है मूवी का 4 करोड़ और कमाई करता है 60 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा यार, और ब्लॉकबस्टर का टैग देता है। और ये मूवी काफ़ी अच्छा है, आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। 12 नंबर पर मूवी आता है नागा चैतन्य का, नाम रहता है युद्धम शरणम। और ये मूवी 2017 में आता है एंड बात करें इस मूवी का बजट का, तो नॉट अवेलेबल है, मतलब कि नॉट नाउ, एंड कलेक्शन 10 करोड़ किया था और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग मिला था इस मूवी को। तो अब आगे बात करेंगे 13 नंबर पर, तो मूवी आता है, नाम रहता है रारंदोई बेडुका चुदम। और ये मूवी आता है 2017 में एंड मूवी का अगर बजट की बात किया जाए तो इस मूवी का बजट 25 करोड़ रहता है एंड कलेक्शन करता है 50 करोड़ का कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेता है। तो बात करते हैं 14 नंबर पर, तो मूवी आता है, नाम रहता है शैलजा रेड्डी अलूदू। और ये मूवी का अगर बात करें ईयर का, तो 2018 है एंड बजट की बात करें तो 14 करोड़ एंड कमाई की बात करें तो 25 करोड़ का कलेक्शन करके हिट का टैग लेता है ये मूवी भी। 15 नंबर पर मूवी आता है, नाम रहता है सब्यसाची। और ये मूवी का अगर बात करें ईयर का, तो 2018 में रिलीज हुआ था, बजट मूवी का था 24 करोड़ एंड कमाई किया था मूवी 22 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया था ये मूवी। तो अब आगे बात करते हैं 16 नंबर पर, तो मूवी आता है, नाम रहता है मजली। और ये मूवी आता है 2019 में, बजट रहता है 20 करोड़ एंड कलेक्शन करता है ये मूवी 70 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी ब्लॉकबस्टर का टैग देता है। तो कौन कौन देखें ये मूवी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मूवी ब्लॉकबस्टर था। तब आगे हम लोग बात करेंगे 17 नंबर पर, तो मूवी आता है, नाम रहता है बैंकी मामा। और इस मूवी का बात करें तो 2019 में रिलीज हुआ था, बजट 45 करोड़ एंड कमाई किया ये मूवी 72 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट का टैग लिया। लेकिन मूवी काफ़ी अच्छा है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ इस मूवी को, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। 18 नंबर पर मूवी आता है लव स्टोरी। और ये मूवी आता है 2021 में, बजट रहता है मूवी का 30 करोड़ एंड कलेक्शन करता है 62 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी सुपर हिट का टैग लेता है। तो जिसको लव स्टोरी जैसा मूवी देखना है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। बात करें 19 नंबर पर, तो मूवी आता है वंगार राजू। और इस मूवी की बात करें ईयर का, तो 2022 है, मतलब इस साल ही रिलीज हुआ, बजट था 25 करोड़, कमाई किया 63 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का टैग दिया। और ये मूवी काफ़ी अच्छा है, आप लोग जाके एक बार ज़रूर देखें। बात करें 20 नंबर पर, तो मूवी आया लाल सिंह चड्ढा। और ये मूवी भी इस साल आया 2022 में, बजट था 180 करोड़ और कमाई किया ये मूवी मात्र 129.64 करोड़, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टैग लिया। तो ये मूवी फ्लॉप क्यों हुआ, आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि इस मूवी में आमिर खान भी थे और बहुत सारे हीरो थे, तो आप लोग कमेंट बताइए क्यों फ्लॉप हुआ। बात करें समरी का,
तो नागा चैतन्य का टोटल मूवी 20 है, और 20 मूवी में से फ्लॉप मूवीज का अगर बात किया जाए तो नागा चैतन्य का 4 मूवी रहा है फ्लॉप। वहीं पे एवरेज मूवीज का अगर बात किया जाए तो 4 मूवी एवरेज भी रहा। एंड बात करते हैं हिट मूवीज का, तो नागा चैतन्य का 5 मूवीज हिट रहा। वहीं पे सुपर हिट मूवीज का अगर बात किया जाए तो 3 रहा। अब आगे बात करेंगे ब्लॉकबस्टर मूवीज का एंड ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज का, तो नागा चैतन्य का अगर ब्लॉकबस्टर मूवीज का बात किया जाए तो नागा चैतन्य 4 मूवी ब्लॉकबस्टर दिए, जो कि काफ़ी अच्छा है यार किसी के लिए भी। अब बात करते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज का, तो 0 है। तो नागा चैतन्य का आप देख लेते हैं सक्सेस रेशियो, तो नागा चैतन्य का अगर बात करें सक्सेस रेशियो का तो 80% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप लोग के हिसाब से अच्छा है या खराब कमेंट बताइए, और कमेंट कीजिए कि कौन सा मूवी आप लोग का फेवरेट है नागा चैतन्य का, मूवी का नेम कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है यार, और मेहनत तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।